आगे बढ़ते इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीमार होने पर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने असंवेदनशील टिप्पणी की है, असंवेदनशील बयान दिया है। बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि कर्नाटक में सरकार गिराने की साजिश की गई, इसीलिए अमित शाह को स्वाइन फ्लू हुआ है। बीजेपी नेता समित पात्रा ने हरिप्रसाद के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समित पात्रा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि ऐसे असंवेदनशील बयान पर जनता कांग्रेस को जवाब देगी। तो आपको बता दें कि अमित शाह एम्स में भर्ती है, खुद उन्होंने ट्वीट करके अपने स्वास्थ्य बिगड़ने की जानकारी दी थी और कहा था कि स्वाइन फ्लू हुआ है, जल्द ठीक होकर सबके सामने आऊंगा। और इस बीच बीके हरिप्रसाद का विवादित बयान, अमर्यादित टिप्पणी, असंवेदनशील बयान, अमित शाह की बीमारी को लेकर और जाहिर सी बात है इस पर सियासी बवाल मचना तय है। बीके हरिप्रसाद ने कहा अमित शाह को बीमारी इसलिए हुई क्योंकि कर्नाटक में सरकार गिराने की साजिश हुई और अगर ऐसी कोशिशें जारी रहती हैं तो उन्हें स्वाइन फ्लू से बड़ी बीमारी हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर समित पात्रा हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर साहब, अमित शाह बीमार हुए हैं, स्वाइन फ्लू हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि उनको सूरों वाली बीमारी लगी। बड़ा दुखद है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्या? आप बीमारियों के साथ मजाक बनाते हैं। आप देखिए, ये कांग्रेस के कल्चर, कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। और बीके हरिप्रसाद कोई छोटे नेता नहीं है, वो बहुत बड़े नेता है, अग्रिम पंक्ति के नेता है। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं प्यार की राजनीति करता हूं, कांग्रेस माने प्यार, क्या यही प्यार है? कोई बीमार होता है तो इस प्रकार से आप मजाक उड़ाते हैं उसका? हिंदुस्तान एक बहुत ही संवेदनशील देश है, बहुत कल्चर्ड और संस्कृतिवान देश है, लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, इसका जवाब लोग ही देंगे।